Hello brilliant students, this time we are doing theorem 10.4 for class 9th exercise 10.3 की theorem है तो ये 10.3 आएगा, ठीक है। इसमें theorem में क्या है, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. एक लाइन ड्रॉ की गई है सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, ताकि वो एक कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट सके। तो हमें प्रूव करना है कि वो एक्चुअली में क्या है, परपेंडिकुलर है कोड के ऊपर। जरा देखिए, ये सर्कल जैसे मैंने बनाया, ठीक है, ये हुआ सेंटर और ये हुई कोड ए बी। इससे इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की गई है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है, राइट। ये सेंटर ओ मान लिया और हमें दिया हुआ है ये इसके इक्वल है। कंस्ट्रक्शन तो हम अपनी तरफ से करेंगे, ओ को ए से मिलाना, ओ को बी से मिलाना, ठीक है। तो लेट अस सी गिवन, एक बार दोबारा से, हमें ए बी कोड दे रखी है और एक दिया हुआ है कि ओ से एक लाइन ड्रॉ की गई है, हमने यहां पे लाइन सेगमेंट बनाया है जो कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि ए पी बराबर पी बी हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये OP इसके ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। गिवन अ सर्कल विद कोण AB एंड OP ए पी इक्वल टू पी बी, ये दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ गिवन हो गया। हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के, और हमें प्रूव करना है एंगल वन इजकल टू एंगल टू इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए एंड ओ बी प्रूफ, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ पी बी। इससे पहले वाले ही जो थ्योरम थी उसके अंदर हमें ये गिवन था कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर ए बी पर। इससे पहले वाले ही थ्योरम के अंदर हमें दिया हुआ था, हमें प्रूव करना था कि ये दोनों ए पी बराबर पी बी है, लेकिन अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और हमें दिया हुआ है कि AP PB के इक्वल है, ओके। इन ट्रायंगल OAP एंड OPB, इन दो ट्रायंगलों के अंदर OA बराबर होगी OB के, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट ए पी इक्वल टू पी बी, ये गिवन है आपको, ओ पी इक्वल टू ओ पी, क्यों, कॉमन हो गया दोनों में, और बाय ट्रिपल एस
congruency rule, triangle OAP congruent हो जाता है triangle. इससे पहले वाली थ्योरम के अंदर RHS से ये congruent हुआ था, लेकिन अब triple S congruency rule से ये congruent हो रहे हैं. तो OAP के अंदर हम पहले दो पेयर लेंगे. हमने ये दो पेयर लिए, इन दोनों में AR है, इन दोनों में BR है, यानी कि A का corresponding point हुआ B, O का बचा हुआ यहाँ पर O बचा हुआ, यहाँ पे O बचा हुआ, तो O का corresponding point होगा O, A का हुआ B, P का यहाँ पे P बचा हुआ, यहाँ पे P बचा हुआ, तो P का corresponding point हुआ P, यानी कि एंगल P इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो है और जो राइट हैंड साइड में एंगल P है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ये दोनों एंगल. एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्यों, बाय सीपीसीटी. ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, एंगल वन प्लस एंगल टू ये दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. अगर कोई दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हो तो वे लीनियर पेयर कहलाते हैं. ओके, तो ये दोनों एंगल क्या हुए, लीनियर पेयर. रीजन लिखेंगे यहां पर लीनियर पेयर, लेकिन दोनों इक्वल भी है, यहां हमने प्रूव किया. तो मैं एंगल वन की बजाय क्या लिख सकता हूं, एंगल टू, बिकॉज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू प्रूव्ड. तो टू एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल टू इज इक्वल टू क्या हुआ, 180 बाय में टू, टू डिवाइड में आ जाएगा 90 डिग्री, और ये एंगल वन की भी है. हेंस ओपी परपेंडिकुलर हुई ए बी पर, और उसके बाद हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड. ये थ्योरम हमारी प्रूव हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस थ्योरम 10.4. इन नेक्स्ट वीडियो विल डू नेक्स्ट थ्योरम. थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो.